नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि इंडिया में कोर्ट कितनी तरह के हैं, कौन कौन से कोर्ट हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। तो आज हम जानने वाले हैं कोर्ट्स कितनी तरह के हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा कोर्ट भारत देश के यानी जो इंडिया है उसके दिल्ली में स्थित है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, शॉर्ट में इसे SC कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट। कई बार लोगों के मन में भ्रम होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कब कार्यवाहियां चलती है, क्या डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलर अगर कोई मामला है किसी ऑफेंस का, तो ऐसी दशा में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर आपको कोई रिट लेकर जानी है तो ऐसी दशा में आप जा सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ऐसा ही सवाल होता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली चला जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको लोअर कोर्ट से ही, किसी भी पर्टिकुलर कोई ऑफेंस है, कोई सिविल मामला है, तो ऐसी दशा में लोअर कोर्ट से ही कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। SLP हैं, स्पेशल कुछ रिट वगैरह हैं, तो ऐसी दशा में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। अब बात करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने जाना कि देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे प्रत्येक राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। अगर आर्टिकल 214 की बात करें आप, संविधान के आर्टिकल की, तो आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा यानी हाई कोर्ट होगा। अगर एक, इसके साथ इसमें एक बात और कही गई है, या फिर एक या अधिक राज्यों को मिलाकर उनमें एक हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय एक ही बात है, जिसे शॉर्ट में HC कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपन ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये एक ही बात है, इसी के एक नाम है। तो प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होंगे, उच्च न्यायालय होंगे, जो कि उस राज्य के सबसे बड़े कोर्ट होंगे, सर्वोच्च कोर्ट होंगे। जैसे हमने जाना कि भारत देश में सबसे बड़ा कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, वैसे ही प्रत्येक राज्य में सबसे बड़ा कोर्ट है, सर्वोच्च कोर्ट है, वो उच्च न्यायालय होंगे, उच्चतम न्यायालय होंगे। अगर किसी राज्य में ये अधिकारी था जो सर्वोच्च न्यायालय, जैसे उच्च न्यायालय की हमने बात की, तो उच्च न्यायालय मान लो प्रत्येक कोई किसी राज्य है उसमें स्थापित नहीं है, हाईकोर्ट नहीं है उसमें, और उसकी अधिकारिता किसी प्राधिकरण को दे रखी है, तो ऐसी दशा में वहां पे उस हाईकोर्ट उसे ही माना जाएगा। अगर आप हाईकोर्ट की संख्या की बात करते हैं तो हमारे देश में 25 हाईकोर्ट हैं। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स है यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं, ये संवैधानिक पीठ हैं। संविधान के द्वारा इन कोर्ट्स को स्थापित किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर संयुक्त रूप से हाईकोर्ट की स्थापना की गई है। तो जैसे कि अपने आर्टिकल 214 के संबंध में जाना, तो उनकी पुष्टि हो रही है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से। अब जैसे ही हमने जाना कि सबसे जो बड़ा कोर्ट है हमारे देश का, सबसे सर्वोच्च कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसके नीचे प्रत्येक राज्यों के अंदर हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई है, यानी उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है, एस्टेब्लिशमेंट किया गया है उच्च न्यायालयों का। उसके नीचे अगर बात करते हैं तो प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेशन एवं जिला न्यायालयों की स्थापना की गई है। सेशन एवं जिला न्यायालय, ये जैसे ही तो नाम अलग है वैसे ही कोर्ट भी अलग है, लेकिन एक ही अधिकारी को इसकी पावर रहती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इनका एक ही होता है। सेशन अलग है क्योंकि इसका नाम सेशन क्यों पड़ा क्रिमिनल का, इसके संबंध में भी कुछ भ्रांतियां प्रचलित हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले ये क्या है कि सेशन में चलते थे, सेशन कोर्ट परमानेंटली कोर्ट नहीं हुआ करते थे, एक सेशन विशेष के लिए चलते थे, तो इसी कारण इनका नाम सेशन पड़ गया। प्रत्येक जिले में एक सेशन कोर्ट होता है इनके अधीनस्थ। अगर जिले में मान लो सेशन कोर्ट्स की और आवश्यकता महसूस होती है, जिले की आबादी ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो ऐसी दशा में सहायक सेशन न्यायालय या फिर अपर सहायक सेशन, जो अपर सेशन न्यायालय, इनकी स्थापना की जाती है। ये एक से अधिक हो सकते हैं। अब इनके नीचे बात करते हैं मजिस्ट्रेटों के न्यायालय होते हैं। जो मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना की गई है उनके संबंध में आपको मैं बता दूं कि ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। अगर कोई जिला महानगर है, जैसे जयपुर की बात करें तो महानगर है, दिल्ली की बात करें, बॉम्बे की बात करें, तो इनमें भी क्राइटेरिया दे रखा है, इनके रूरल पार्ट अलग है, ग्रामीण क्षेत्र अलग दे रखा है और शहरी क्षेत्र इनमें अलग दे रखा है। जैसे मैं मेरी जयपुर की बात करता हूँ, तो जयपुर महानगर है जबकि जयपुर जिला ग्रामीण भी है। ग्रामीण के लिए अलग से सेशन हो सकता है और महानगर क्षेत्र के लिए अलग से सेशन हो सकता है।
इनमें जो महानगर क्षेत्र हैं इनमें कोर्ट भी अलग अलग एस्टैब्लिश किए गए हैं। अगर महानगर क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात की जाए तो सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे सर्वोच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट का, जो कि सीजीएम के न्यायालय होते हैं, अब इनके पहले महानगर जुड़ ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। अदरवाइज अगर कोई महानगर क्षेत्र नहीं है तो वहाँ सीजीएम होता है और यहाँ पर उनके जो पहले हैं नाम के पहले महानगर जुड़ जाता है। जैसे महानगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अदर क्षेत्र में अगर महानगर क्षेत्र नहीं है तो वहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, बाकी महानगर क्षेत्र में महानगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे होता है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम। महानगर क्षेत्र में इनके लग जाएगा पहले महानगर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब देखिए एक चीज मैं आपको ये बता दूं, ये जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं ये दो कैटेगरी के हैं, प्रथम क्लास जुडिशियरी मजिस्ट्रेट हैं यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, और एक सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं। थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट बहुत जगह नहीं देखने को मिलते हैं आपको, अपने राजस्थान में तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही देखने को मिलेंगे आपको, बाकी आपको यूपी में आप जाएंगे तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट मिल सकते हैं लेकिन राजस्थान में नहीं मिलेंगे। अब ये जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं यही सीजीएम होंगे, यही एसीजेएम होंगे और यही मुंसिप मजिस्ट्रेट भी होंगे, क्योंकि जैसे हमने सीजीएम की बात की कि सबसे बड़े मजिस्ट्रेट के कोर्ट सीजीएम होते हैं फिर एसीजेएम होते हैं, उनके नीचे जो एसीजेएम है उनके नीचे मुंसिप कोर्ट्स भी होते हैं, सबसे निचले स्तर के कोर्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये जान लें कि चार कैटेगरी के हमारे कोर्ट हैं, जो कि जुडिशरी सिस्टम की हम बात करें, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद अपन बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद बात करें तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स प्रत्येक राज्य में स्थापित किया गया है, कुल टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो प्रत्येक जिले में सेशन एवं जिला न्यायालय, और उसके बाद अगर बात करें तो प्रत्येक जिलों में जो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित किए गए हैं जिन्हें निचली अदालत कहा जाता है, ये चार कैटेगरी के हैं। अब इसके अलावा भी अगर जुडिशरी के अलावा अपन बात करते हैं तो रेवेन्यू कोर्ट्स भी अपने को देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर उनकी बात अपन नहीं कर रहे हैं, जुडिशरी कोर्ट की अपन ने बात की है। अब एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि मान लो किसी व्यक्ति ए और बी नाम का कोई व्यक्ति है, दोनों के आपस में झगड़ा हो जाता है और ए ने बी की टांग तोड़ दी या कोई फ्रैक्चर कर दिया, तो सबसे पहले आप क्या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जा सकते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाएगा, सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज होगी जो कि लोकल पुलिस स्टेशन जो भी होगा उसमें होगी, वहां से चार्जशीट आएगी, कहां पे जो निचले स्तर का कोर्ट है उस क्षेत्र में अधिकारिता रख रहा है कोर्ट, उस कोर्ट में मुंसिप कोर्ट भी हो सकता है और एसीजेएम का कोर्ट भी हो सकता है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनका भी हो सकता है, मुंसिप का भी हो सकता है, उन कोर्ट्स में ही आएंगी। उसके बाद इनमें विचारण चलेगा, ट्रायल चलेगी और उसमें डिसीजन होगा। अगर व्यक्ति इससे जो आहत व्यक्ति हैं या जिसके भी फेवर में ये गया वो तो अपील करेगा नहीं, उसके अगेंस्ट जो भी व्यक्ति हैं वो अगर अपील करना चाहें तो ऐसी दशा में सेशन के समक्ष जो सेशन न्यायालय है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर वहाँ अपील होगी। अगर वहाँ से भी संतुष्ट नहीं मिलता, उस पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर हाईकोर्ट में वह व्यक्ति अपील लेकर चला जाएगा उस मामले को चैलेंज करते हुए जो भी जजमेंट दिया है सेशन ने। अब अगर हाईकोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो ऐसी दशा में उसके पास कोई लो पॉइंट है तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो पूरी प्रक्रिया यही होगी, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाने के कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई रिट है, किसी भी कोई डायरेक्शन दिलाना है किसी डिपार्टमेंट विशेष, सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर रहती है, तो ऐसी पर्टिकुलर दशा में आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली, बाकी किसी भी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये जो मैंने आज कोर्ट्स आपको बताए हैं कि हाई कोर्ट सबसे ऊंच जो ऊपर का कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट बने हुए हैं, फिर निचली अदालतें हैं, ये मैंने पर्टिकुलरली एक संक्षिप्त में वीडियो देने की कोशिश की है कि मैं एक छोटा सा वीडियो आपके समक्ष दे दूँ ब्रीफ में। हालांकि मैं इस पर एक विस्तृत से वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो के माध्यम से, ताकि जुडिशरी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ सके, जो नए नए लॉ स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ सके। ये वीडियो तो मैंने आम आदमी के लिहाज से बनाया है, उसमें मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करूंगा, रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनकी भी बात करना चाहूंगा, सारे कोर्ट्स की बात करते हुए पूरा वीडियो बनाऊंगा, लगभग मुझे 20-25 मिनट का वीडियो देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये कोर्ट्स को समझाने में आपके लिए सहायक रहा होगा। महानगर क्षेत्र में अलग अलग कोर्ट होते हैं, आप इस चीज़ को भी जान लें। जैसे मैंने अभी बताया कि महानगर और ये जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, राजस्थान में जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, ये महानगर क्षेत्र हैं। तो अब जैसे सेशन की बात की, सेशन भी मैंने अलग अलग बता दिए क्योंकि प्रत्येक ज़िले में अलग अलग सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो महानगर क्षेत्र है इनको एक ज़िला माना गया सेशन की दृष्टि से, आप इस चीज़ को जान लें। अब जैसे बताया कि सेशन न्यायालय है वो क्रिमिनल मामलों को सुनता है,
और जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो सिविल मामलों को सुनता है। हालांकि होता तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन ये पर्टिकुलर बात रखा है, अलग अलग कोर्ट्स नहीं दे रखे हैं, एक ही व्यक्ति को इनकी पावर दे दी जाती है। उसी तरह मजिस्ट्रेट पे भी ये चीज़ लागू होती है। मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो क्रिमिनल मामलों में होते हैं, फिर इन्हें सिविल न्यायाधीश की भी पावर दे दी जाती है, तो वे सिविल मामलों को भी सुन लेते हैं। अब सिविल मामलों में जैसे मैंने मारपीट के मामलों का एक उदाहरण दिया, उसमें अपील का मैंने दे दिया आपको, सेम कंडीशन सिविल में लागू होती है, वैसे ही अपील के चरण चलते हैं। हाँ, इतना आपको कह सकता हूँ कि मुंसिफ कोर्ट की अगर कोई अपील है तो वो सीजेएम वगैरह के समक्ष नहीं जाकर सेशन के समक्ष जाएगी। तो ये चीज़ें आप जान लें। तो उम्मीद करता हूँ कोर्ट्स के संबंध में ब्रीफ में आप समझ पाएंगे कि कोर्ट कैसे है, क्या है, कितने कोर्ट्स हैं, ये ब्रीफ में आप अच्छे से समझ पाए होंगे। साथ ही मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप इस वीडियो को जिस किसी प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं उस पर शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इस वीडियो को देख सकें और अपने आप में कानून के प्रति अपना ज्ञान बढ़ा सके। धन्यवाद।